आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। 2022 विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल अपने तेवर पर। इसी दरमियान अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बीच उठा पटक का दौर जारी है। हम अपने चैनल के खास प्रोग्राम प्राइम पब्लिक और सरकार, इस कार्यक्रम के तहत जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और जनता जनार्दन की राय ले रहे हैं कि अब की बार यूपी में किसकी सरकार है। इस कड़ी में महादेवा विधानसभा क्षेत्र के नगर कस्बे में आए हुए हैं और यहाँ की जनता जनार्दन से हम बात करेंगे अब की बार किसकी सरकार। तो आइए बात करते हैं यहाँ के। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश सिंह। तो वेद प्रकाश जी, ये बताइए सबसे पहले कि आप 2022 चुनाव बहुत चरम पर है, तो किस प्रकार की सरकार आप चाहते हैं कि अब की बार 2022 में आए? हम चाहते हैं कि आने वाली सरकार जो गुंडई हो ख़त्म करे, भ्रष्टाचार हो उसको ख़त्म करे, और जो सरकारें ख़त्म कर रही उन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। मतलब ये बात आपकी गोल बटोल है, बिल्कुल समझ में आ रही कि जो सरकारें ख़त्म करें उस पर है। मतलब आप किसी सरकार को चाहते हैं या कुछ परिवर्तन चाहते हैं? अगर इससे कोई अच्छी सरकार दे सकता है तो ज़रूर हम उसको चाहेंगे, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि 5 साल के पहले भी सरकारों ने हम लोगों ने देखा है, 10 साल के पहले सरकारों ने देखा है, जातिवाद गुंडई भ्रष्टाचार अराजकता छाई रहती थी। आज के डेट में न कोई गुंडई कर रहा है न कोई अराजकता है, सबका साथ सबका विकास लोग कर रहे हैं और इस नाते हम लोग इसी सरकार के साथ हैं। अगर सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए रोजगार, तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस सरकार में युवाओं के लिए रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाया है या नहीं? रोजगार की तो दिक्कत है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। रोजगार जितना चाहिए था उतना शायद नहीं मिल पाया है। उसमें हमको लगता है कि सरकार का सबसे बड़ा कारण ये भी रहा होगा कि यहाँ 2 साल से कोरोना की बीमारी ने भी प्रभावित किया, लेकिन जितना बेहतर होना चाहिए था उसमें शायद कुछ न कुछ कमी रह गई है। अच्छा, इस समय वर्तमान में जो है महादेवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो है बीजेपी की है, रवि सोनकर जी। तो रवि सोनकर जी महादेवा विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास किए हैं? विकास तो योगी और मोदी ने किया है, एक बात। और दूसरी बात, वही लोग ध्वजवाहक हैं, चाहे विधायक और सांसद, विकास के नहीं, सरकार के माध्यम वो सरकार के ही विधायक हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात, उन्होंने क्षेत्र में कितना काम किया है उनके कामों को आप बता सकते हैं? हाँ, उनका काम है, उनका पुल बनवाए हैं, उनका काफ़ी पुल बनवाए हैं, जो आप द्वार देख रहे हैं शहीद राजा उदय प्रताप सिंह द्वार, आगे रविदास द्वार, और बारात घर का उन्होंने निर्माण कराया है, नगर बाजार में भी बारात घर का निर्माण। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी ने विकास कार्यों को काफ़ी किया? पहले से अगर हम तुलना करेंगे तो कोई इसका कोई जवाब नहीं है, उस तरह का काम किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ अधूरा है, इसी नाते हम लोग इसी सरकार को फिर से रिपीट करना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो वेद प्रकाश जी थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में बहुत विकास हुआ है और अच्छे काम हुए हैं और पुनः हम इसी सरकार को लाना चाहते हैं। अब हमारे साथ कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? पानी जी, ये बताइए कि सरकार में युवाओं के लिए कितना रोजगार मिल पाया, क्या है सब संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तो उतना संतुष्ट नहीं है हम, लेकिन सरकार ने प्रयास किया और जो है उतना ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया जो युवा इतना संतुष्ट। कोरोना काल में जनता काफ़ी परेशान थी, काफ़ी उत्तर मचा हुआ था, तो इसको लेकर क्या कहेंगे सरकार, किस दिशा में अच्छा काम किया? देखिए, सरकार ने तो प्रयास किया, उसमें दो राय नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा जो समस्याएँ आ गई कोरोना काल में कि जो है ना ऑक्सीजन डॉक्टर सब लोग छोड़ के खुद ही बन, तो बाकी उसमें जो है सरकार प्रयास किया, इसमें दो राय नहीं, लेकिन इतना नहीं हो पाया जितना हम लोग उम्मीद कर रहे हैं।
सिंह साहब एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, आप ही के पार्टी के कद्दावर मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कई विधायकों के साथ लगभग सपा में या अन्य पार्टियों में जाके शामिल होना हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो चरित्र है वो उनका बहुत पुराना चरित्र है कि वो सरकार में किसी सरकार में वो रुक नहीं पाते हैं, वो बदलते रहते हैं, उनका थोड़े से उग्र स्वभाव को जिनको आप कह सकते हैं, और जो वो चाहते हैं वो भाजपा कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, व्यक्ति बेस्ड पार्टी है, वो जो चाहते हैं उनके हिसाब से नहीं हो सकता, उनको लगता है कि टिकट में मेरी दिक्कत है, और लोग जो उनको चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने समझाया स्वामी प्रसाद मौर्य को कि जल्दबाजी में फैसला लेना उचित नहीं है, तो ये कहाँ तक उचित है, क्या उन्होंने मतलब सही कदम उठाया है या फिर गलत था? ये अब उनके हिसाब से तो सही होगा, तभी तो वो ऐसा कदम उठा रहे हैं, लेकिन रही बात पार्टी का, जिसे पार्टी व्यक्ति पे काम नहीं करती है, ये पार्टी आम आदमी के लिए काम करती है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य हों या कोई भी बड़ा आदमी हो, बहुत बड़े बड़े नेता हों, भाजपा उनके इतना फोकस नहीं करती है जितना आम जनता की फोकस करती है। मुद्दा और है, योगी जी ने गौशाला बनाया, लेकिन अगर देखा जाए सड़कों पर इधर से उधर तमाम गौशाला जो बना हुआ है वो रजिस्टर में ज़्यादा हुआ बना हुआ है, और क्षेत्र में गांव में उतना है नहीं, क्योंकि हम लोग रोज देख खेत में जो इतने ज़्यादा गाय सांड जो है आ जा रहे हैं, हम लोग रात रात भर रखा रहे हैं, तो समस्याएं तो है भाई उसके लिए, मतलब इससे तो किसानों का काफ़ी नुकसान है, बहुत नुकसान हो रहा है। मतलब ये क्या है, ये सिर्फ एक महज दिखावा है गौशाला? एकदम दिखावा, यहाँ पे तो हमारे क्षेत्र में कहीं गौशाला बना हुआ है, हो सकता है कहीं रजिस्टर में फीड हुआ हो कि बना है, लेकिन हम लोग को पता नहीं कहाँ बना है, मतलब जमीनी स्तर पे काम ग्राउंड स्तर पे जीरो है। जी, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा है। मतलब युवा संपर्क क्या होगा, अगली बार योगी जी को वोट करेगा, बीजेपी को वोट करेगा या फिर परिवर्तन लाएगा? युवा सारे जो है सफल विकास है, इस बार अच्छे से करेंगे। अभी आपने देखा कि ये हसन अली जी थे, इन्होंने कहा कि अब की बार परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है, अगर परिवर्तन नहीं लाया जाएगा तो बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, चरम पे है, वो और भी अधिक हो जाएगी, तो और भी हमारे साथ युवा साथी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन खान है, मैं मदरसा आदि शिक्षक संघ का जिला महासचिव हूँ। अच्छा, 2022 चुनाव चरम पे है, बिल्कुल उठा पटक लगी हुई है, तो अब की बार कैसी सरकार आप चाहेंगे? सरकार साफ सुथरी हो, निष्पक्ष हो, और बेरोजगारों का ध्यान रखे, जो कर्मचारी सब परेशान है, सरकार इतना परेशान है, उसके बारे में मेरे पास सब में मैं कहूँ क्या, मैं खुद मदरसा में शिक्षक हूँ, मैं इस सरकार बनने के उत्तर प्रदेश सरकार के बनने के बाद आज 57-58 माह से हम लोगों का केंद्रा जो मानदेय सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था वो नहीं आया, हम लोग की सरकार से बेहद दुखी है और बहुत बढ़िया है। मतलब आप लोगों को जो संविधा के रूप में आप लोग नियुक्त हैं, आप लोग को भरण पोषण के लिए जो वेतन मिलता था वो नहीं मिलता, तो कैसे जीवन यापन आप लोग कर रहे हैं? कुछ साथी हमारे टैक्सी चला रहे हैं, कुछ साथी मूंगफली बेच रहे हैं, और कुछ साथी मजदूरी कर रहे हैं, उससे उनका जीवन यापन हो रहा है। लगभग 100,000 उत्तर प्रदेश में 25,500 मदरसा शिक्षक हैं, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोगों ने खुदकुशी कर ली, और किसी को हार्ट अटैक से मौत हो गया, और तमाम सारे ऐसे लोग मजदूर हैं जो अपने परिवार को देख नहीं पाते हैं, अपने परिवार का खर्चा चलाने से मजबूर हैं। अच्छा, अब की बार बीजेपी सरकार में विकास के मुद्दों पर क्या कहें, कितना विकास सरकार ने किया है? जहाँ सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देती है, वहीं साथ में एक झुनझुना देती है कि आप बस इस नारे के साथ बजाते रहो। तो भैया देखा, इन्होंने कहा कि ये मदरसा शिक्षक हैं और लगभग 5 से 6 साल हो गए इस सरकार ने इनको वेतन नहीं दिया अभी तक। अब आप सोचिए, 5 से 6 साल हो गए, वेतन जिनको नहीं मिला, उनके परिवार का भरण पोषण कैसे चल पा रहा है, कैसे हो पा रहा है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। हमारे साथ यहाँ सड़क पर देख रहे हैं चाचा जी जा रहे हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। चाचा जी, 2022 चुनाव आ गया है, चरम पे है, तो अब की बार कैसी सरकार आप चुनना पसंद करेंगे? कैसी जैसे दुनिया करेगी वैसे ही करेंगे। अरे मतलब आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार की सरकार आए, बेहतर काम करे, तो क्या कौन सा सरकार आप चाहेंगे?
अच्छा आवास वगैरह मिला है आपको? नहीं जी कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं मिला। शौचालय उचालय कुछ भी नहीं मिला। सरकार तो कहती है आवास शौचालय और तमाम चीज़ें तमाम मिला जी, कुछ नहीं मिला। तो देखिए अभी यह है कि अब एक वृद्ध जा रहे थे, उनसे बात किया, एक सज्जन भी है। भैया आपकी बार कैसी सरकार चाहेंगे? समाजवादी लाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? समाजवादी क्यों? समाजवादी विकास। अच्छा तो क्या योगी जी विकास नहीं किए हैं? नहीं भाई, ये तो बीजेपी के लोग बड़े बड़े दावे ठोकते हैं कि हमने विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। कुछ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो अच्छा आप युवा हैं तो रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? इस सरकार में रोजगार कितना पैदा हुआ? रोजगार आप पहले बताइए कितना रोजगार दिए हैं? ये चीज आप बताएंगे ना? सरकार तो दावे कर रही है रोजगार के नाम पर क्या किए? कुछ भी नहीं। तो सरकार, अच्छा सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, हमने रोजगार बहुत दिया है, हमने आवास दिया, हमने शौचालय दिया, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, तमाम बड़े बड़े दावे कर रही है। तो उसी दावे के आधार पर सरकार कह रही है हम फिर 2022 में 350 के पार आएंगे। 350 के पार आएंगे जब बेईमानी करेंगे तो आएंगे। ईवीएम से मत करवाएं, बैलेट पेपर से करवाएं। अच्छा ईवीएम से ना करवाएं, बैलेट पेपर से करवाएं। देखते हैं 300 पार आएगा या 403 आ जाएगा। अच्छा तो देखा अभी एक युवा साथी जा रहे थे तो रुक कर इनसे बातें की गई, तो इनका साफ तौर पे कहना यह है कि अगर बेईमानी ना करें तो देखते हैं किस आधार पर सरकार 2022 की आती है। इसी तरीके से इस खास पेशकश पे हमारे साथ बने रहिए, अगली कड़ी में हम और भी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे 2022 के चुनाव में किसकी सरकार आएगी, कैसी सरकार आएगी। हम अगले कार्यक्रम में आपको बताते हैं। बस्ती से रजनीश कुमार पांडे सहयोगी अतुल मिश्रा के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी की चुनाव यात्रा के इस खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में। आज हम निकले हैं चरखारी विधानसभा में और यहाँ जानेंगे ग्राउंड जीरो से, गांव में आके लोगों से जानेंगे कि आखिरकार चरखारी विधानसभा के ग्रामीण इस बार किसकी सरकार चाहते हैं और कौन लखनऊ की गद्दी पर मुख्यमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं, या चल रही योगी जी की सरकार दोबारा लोग चाहेंगे कि दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने या फिर किसी अन्य विपक्षी सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, लोगों का क्या मूड है किसके लिए। तो ये जानने के लिए हम चरखारी विधानसभा में निकले हैं और हमारे साथ यहाँ कई ग्रामीण भी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार दादा क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार दीक्षित। अच्छा ये बताइए इस बार किसकी सरकार आना चाहिए? योगी जी की। योगी जी की जी। अच्छा आपके यहाँ जो बीजेपी के विधायक रहे हैं उन्होंने कोई काम किया है? साहब हमें तो दर्शन ही भाई थे। अच्छा नाम से कौन बात भाई, उन्होंने जो है काम किए हैं और क्षेत्र में इस क्षेत्र में नहीं किए हैं काम। अच्छा यहाँ काम नहीं किया जी। अच्छा ये बताइए क्या लगता है आपको, ये जो जो वर्तमान विधायक हैं इनसे संतुष्ट हैं लोग या बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा जी मतलब ये कोई स्थानीय व्यक्ति चाहिए या बाहरी चाहिए, क्या कैसा? स्थानीय व्यक्ति चाहिए हमको। अच्छा स्थानीय सुभाष दीक्षित जी चाहिए। अच्छा स्थानीय व्यक्ति चाहिए जी। ओ ओ अच्छा तो ये और हैं क्या स्थानीय आपके यहाँ से प्रत्याशी? यहाँ विधायक चरखारी विधानसभा में बीते कई वर्षों से बाहरी लोग ही बनते रहे हैं। बाहरी लोग ही बनते रहे हैं, हमारी जो है विधानसभा में बाहरी लोग रहे, हम स्थानीय सुभाष दीक्षित जी को चाहते हैं। अच्छा जी आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम परशुराम। अच्छा ये बताइए इस बार किसकी सरकार आना चाहिए? मोदी जी की आना चाहिए, योगी फिर से मुख्यमंत्री बने। अच्छा और आपके विधायक जो हैं वर्तमान उनसे संतुष्ट हैं? हाँ उनने विशेष काम नहीं किया है हमारे क्षेत्र में, तो एक आध बार आए होंगे लेकिन हम मुलाकात वैसी नहीं हुई, न कुछ विकास विशेष किया। अच्छा तो बदलना चाहिए के, हाँ, के यदि हमारे क्षेत्र का बुंदेलखंड में हमारे अगर पास का कोई विधायक हो तो वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है। और भी यहाँ हमारे साथ कई युवा हैं कई सारे। भैया क्या नाम है आपका? ये नवल सिंह कुशवाहा। अच्छा ये बताइए क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आना चाहिए? सरकार तो बीजेपी की आना चाहिए, लेकिन जो पुराना विधायक है वो नहीं चाहिए। अच्छा वो क्योंकि अपनी जातिवादी की बात करता है, इसलिए हम सोचते हैं कि नया चाहिए। नया? हाँ नया, जो हमारे सुभाष दीक्षित जी हैं। अच्छा। वो आए हम लोगों को देखें, फिलहाल उन्होंने
अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जो भी विधायक रहे हैं कई बीच कई बाहरी लोग ही ज्यादातर रहे, क्या वजह है कि यहाँ के स्थानीय लोग नहीं बन पाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वजह ये लोग नहीं चाहते, कोई आते ही नहीं है ऐसा ना आगे मतलब बढ़ना चाहता कि हम लड़े चुनाव, लेकिन हम लोगों ने कहा अपने उपाध्यक्ष जी से प्रधान जी आप आगे बढ़िए कुछ करिए जो जब जनता के लिए हो पाए, इसलिए अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हम बहुत काम कराए हैं अभी कराएंगे, भाजपा झूठ बोल नहीं नहीं वो लगता है आपको? नहीं नहीं वो नहीं कराएंगे तो प्रियंका गांधी भी आई थी रैली करने बहुत बड़ी, अरे यहाँ स्कूटी लेने के लिए कह रही लड़कियों को, अरे यहाँ कुछ नहीं मिला कुछ नहीं। अच्छा ये भी भैया है, भैया ये बताइए क्या लगता है इस बार? मुझे इस बार मोदी जी आएंगे और मोदी जी के हम लोग समर्थन करते हैं मोदी जी का, योगी जी का, और हम लोग चाहते हैं क्षेत्रीय विधायक बने, जो भी बने क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए, और सभी लोग हम लोग समर्थन करेंगे, पूरे गाँववासी क्षेत्रवासी क्षेत्र का विधायक बनना चाहिए, जो बाहरी अभी तक बने हैं हमारे विधानसभा में आज तक बाहरी विधायक। आप ये बताइए योगी जी मोदी जी क्यों आए, अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? वो कह रहे हैं हमने बड़े काम कराए, नहीं किया है ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा झूठ बोलती है, हमने काम कराया, बोलती है झूठ। मायावती कह रही थी हमारे कानून व्यवस्था हमारे राज्य में बहुत अच्छी रही, व्यवस्था कुछ नहीं किया योगी जी ने, गुंडा राज जो था वो खत्म किया है, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होती थी वो भी खत्म हुई है, काफी मंदिर का निर्माण किया है उन्होंने। अच्छा एक बात बताइए इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, या आप विकास के वोट दें, विकास को देखकर वोट देंगे, या राष्ट्रवाद को, या फिर धर्म को, या जाति, किस किस आधार पर वोट करेंगे? विकास को देखकर वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे, योगी जी ने विकास किया है, विकास किया है उन्होंने। अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं किया है, प्रियंका गांधी भी कह रहे थे झूठ बोलते हैं, कहने वाले तो कई आए और कई चले गए, कहने में थोड़ी ना कुछ होता है। अच्छा भैया इधर आइए, इधर आओ, आपका क्या नाम है? अरे अरे राजा। अच्छा ये बताओ इस बार किसकी सरकार आना चाहिए, वोटर हो? अच्छा किसकी आना चाहिए? अखिलेश यादव क्यों नहीं आना चाहिए? कितना अच्छा अखिलेश यादव कह रहे हैं हम बहुत काम कराएंगे, कुछ भी नहीं कराया। अच्छा प्रियंका गांधी कह रही लड़कियों को स्कूटी देंगे, टेबलेट देंगे, कुछ भी नहीं दिया। अच्छा योगी जी ने काम किया है, योगी जी आना चाहिए? अच्छा पक्का? पक्का। और भी हमारे साथ यहाँ कई लोग हैं और इनसे भी जानते हैं कि आखिरकार ये भैया क्या नाम है आपका? सुंदर कुशवाहा। अच्छा ये बताइए इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आना चाहिए? देखिए जो काम अच्छा करेगा उसी की सरकार है, जैसे मोदी जी ने अभी अच्छे काम किए, जो प्रत्यक्ष रूप से भी और बिना प्रत्यक्ष के भी जो भी काम किए उन्होंने सब अच्छे किए। अच्छा ये बताइए वो कह रहे हैं योगी जी ने कोई काम नहीं किया, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, विपक्ष वाले कह रहे हैं, विपक्ष वाले हैं तो उन्हें तो दूसरे का काम बुरा ही लगेगा ना। अच्छा। इसलिए वो बुरा बोलते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्हें तो लगता है कि केवल हम ही अच्छा कर रहे हैं। तो आप युवा हैं, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ कोचिंग। अच्छा कोचिंग पढ़ाते हैं। ये युवाओं को रोजगार देने की बात है तो क्या किस पे भरोसा है, कौन दे सकता है, किसने ज्यादा दिए हैं अभी तक? देखिए रोजगार तो वैसे मोदी और जो योगी जी हैं हमारे मुख्यमंत्री, उनके राज्य में भी बहुत सी वैकेंसी निकली है, लेकिन नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो टैलेंट है उनके पास, तो वही भ्रष्टाचार नहीं होगा ना क्योंकि उसमें। अच्छा योगी जी ने काम अच्छा किया है? हाँ। आप सहमत हैं? सहमत हैं। तो ये बाबा जी आएंगे फिर से? बिल्कुल आएंगे। और कोई नहीं? कोई नहीं। पक्का? पक्का है। और भी हमारे साथ हैं यहाँ दादा हैं, दादा क्या नाम है आपका? हम सरजीत कुशवाहा है। अच्छा ये बताइए क्या लगता है आपको इस बार? इस बार हम तो वही मोदी और योगी जी की सरकार। अच्छा काम कराए हैं उन्होंने, अच्छे काम किए हैं? अच्छे काम किए हैं। विपक्ष वाले कह रहे कोई काम नहीं किए हैं? काट दुनिया काट रहा सुकाम जो कुछ जैसा वो सबको मानो अच्छा। अच्छा भी कह रहे वो न रोजगार दिया भाजपा वालों ने, कुछ नहीं दिया, बताइए। अबे तो जो कछु हो रहा है बढ़िया हो रहा है। अब सरकार आए तो उन्हें की आए और को की नहीं, सही बताओ? सही बताओ। अरे प्रियंका गांधी आई थी कांग्रेस की दुनिया आग जा जा, हमें कुछ विकास ही नहीं दिखा रहा। अच्छा कुछ नहीं हो रहा, मतलब योगी जी ने काम किया है और किसी ने नहीं किया। अच्छा पक्का है? ये जी हैं दादा आ रहे हैं, क्या नाम है दादा आपका? अच्छा ये बताइए क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? मोदी जी की। अच्छा योगी की सरकार होने दे तो। अरे आप सब लोग की मोदी मोदी योगी कह रहे हैं, अखिलेश भी कह दीजिए, बहुत काम वो कह रहे हैं, हमने कराएंगे आगे चल के काम, आगे आगे। प्रियंका गांधी कह दीजिए, मायावती कह दीजिए। अच्छा योगी जी, योगी जी आने हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया योगी जी ने,
अब वो तो विपक्ष का आता ही है। अच्छा हमारा तो कोई दुश्मन हो गया तो हम तो ऊपरों के हैं। अच्छा तो आप अच्छा ये बताइए आपके जो यहाँ विधायक है लोकल के, क्या लगता है आप लोग जनता, हमने कई जगह बात की, क्या आप संतुष्ट हैं? हम तो योगी जी से संतुष्ट हैं। हाँ। योगी जी ने जो काम किया है उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। हाँ। और योगी जी को फिर से आना है। योगी जी को आना है, पक्का आना है। क्षेत्रीय विधायक तो आप देख सकते हैं, यहाँ हम ग्रामीणों से बात कर रहे हैं और इनका इस गांव में हमें अभी तक कोई विपक्ष वाला मिला ही नहीं, हालांकि और भी हैं। भैया एक मिनट आइए, आपका क्या नाम है? अरे आ जाओ यार, देख सकते हैं आप। भैया आप बताएं क्या लगता है आपको इस बार? इस बार क्या भाजपा का है पूरा सरकार, उन्हीं को मिलेगा पूरा, पूर्ण बहुमत से जीतेगी, पूर्ण बहुमत से जीतेगी। भैया विपक्ष वालों के लिए भी तो कुछ छोड़ो, वो कह रहे हैं बहुत काम कराएंगे। सर जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों छोड़े उनके लिए? कुछ किया ही नहीं तो क्यों छोड़े उनके लिए? आप ये बताइए क्या आप अपने यहाँ जो विधायक है उनसे संतुष्ट हैं? हम आज तक उनका हमने चेहरा नहीं देखा है कि विधायक कौन है। आपको क्या लगता है यहाँ स्थानीय कोई प्रत्याशी होना चाहिए? अब ये बताइए ये बाहरियों का लगातार जो बाहरी लोग ही यहाँ से जीतते रहे हैं, क्या वजह है कि लोग अब यहाँ स्थानीय खड़े नहीं हो पाते या लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, जो बाहरी लोग आप लोग कहते हैं कई गांव में और भी लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि बाहरी हर बार यहाँ? क्या है हमारे यहाँ पे अभी ऐसा कोई था नहीं, अब हमारे प्रधान जी इस बार उनको पूरे गांव वालों ने पूरे क्षेत्र में उनने कितना नाम किया है, अभी सम्मेलन शादी शादी करवाते हैं, कन्याओं के विवाह करवाते हैं, अभी सम्मेलन करवा हर त्योहारों पे भंडारा करवाते हैं। लगता है स्थानीय स्थानीय विधायक। अच्छा भैया आप बता दीजिए, आप ये बताइए इस बार क्या लगता है लखनऊ में कौन आना चाहिए? लखनऊ में आना चाहिए योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव इसने कुछ किया ही नहीं, उनने क्यों आना चाहिए? वो कह रहा है झूठ बोलते हैं। क्यों कहाँ झूठ बोलते हैं? प्रियंका गांधी कह रही है हम लड़कियों को स्कूटी देंगे, टैबलेट, वो सब झूठ है, वो फ्रॉड है, सब वोट पाने के लिए। तो आप अच्छा ये बताइए आपको लगता है कि इस बार योगी जी आएंगे? 100% योगी जी आएंगे। एमपी में उन्होंने ये भी बोला था कि कर दिया मामला। आप ये बताइए आप अपने जो विधायक हैं यहाँ उनसे संतुष्ट हैं? नहीं नहीं है संतुष्ट उनसे। अच्छा फिर कैसे आएंगे योगी जी जब विधायक से संतुष्ट? विधायक से संतुष्ट नहीं, हमको चाहिए योगी आदित्यनाथ और यहीं का लोकली के विधायक जो बने ना वो आके कम से कम क्षेत्रीय विधायक बनेंगे तो वो विकास करेंगे, वो हर चीज जानते हैं। वो आते हैं यहाँ तो मतलब जीत जाएंगे तो 5 साल में दर्शन नहीं होंगे कि कहीं घूम जाएं एक बार, कोई काम कर दे कुछ भी। आपके गांव में विधायक ने कोई काम कराया? कुछ नहीं करवाया है विधायक, कोई काम नहीं किया है। अभी हम आ रहे थे आपकी सड़क पूरी, वो सब प्रधान वो हमारे सुभाष दीक्षित जी हैं, वो हमारे यहीं नहीं। आप ये बताइए आपके गांव के बाहर जो सड़क है तो अभी हम आ रहे थे, क्या विधायक से आप लोगों ने कहा नहीं? वो कई बार कहा है, कई बार बोला है, कोई सुनवाई नहीं होती है। जाओ तो बोले अभी है नहीं है, लखनऊ है या वो अपने गाँव में है, मतलब यहाँ के विधायक हैं। आप इधर आओ, इधर आओ भैया, अरे आओ इधर। बोले बोले बोले, क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए इस बार क्या लगता है? क्या लगता है स्वराज अरे 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 भक्के यार, शर्मा गए। तो आप देख सकते हैं कि हम लगातार गांव से ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आखिरकार क्या है बुंदेलखंड का मूड, क्या है महोबा जिले का मूड और क्या है चरखारी विधानसभा की जनता का मूड। क्या इस बार योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास बनाएंगे या विपक्ष समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये आने वाले चुनावों का परिणाम आने वाले चुनावों में पता चलेगा। लेकिन हम ऐसे ही ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते रहेंगे कि आखिरकार क्या सोचती है बुंदेलखंड की जनता और क्या सोचती है चरखारी विधानसभा की जनता। हालांकि हम चरखारी विधानसभा में आज इस चुनाव यात्रा में निकले हैं और हमने लोगों से कई जगह लोगों से बात भी की है, ग्रामीणों से इस गाँव में आए हैं और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ज्यादातर लोग जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे असंतुष्ट दिखाई दिए और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कोई विधायक स्थानीय व्यक्ति उनके क्षेत्र का आदमी हो और बाहरियों को, चूंकि आपको बता दें कि चरखारी विधानसभा में बीते कई वर्षों से बाहरी लोगों का ही कब्जा रहा है, यही वजह है कि लोगों में इस बार बाहरियों को लेकर एक नाराजगी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्रीय व्यक्ति ही यहाँ से विधायक होना चाहिए जो लोगों की समस्याओं को सुन सके, उनके सुख दुख में शामिल हो सके और उनके लिए 24 घंटे काम कर सके। कैमरामैन रमेश कुमार के साथ दीपक वाजपेयी, प्राइम टीवी न्यूज, महोबा।
आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।